तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की पांच ऐसी मूवी के बारे में जिन्हें बॉलीवुड ने कॉपी करके बहुत ही पैसा छापा है। आपको मालूम होगा कि बॉलीवुड की जितनी भी मूवी अभी आ रही है सभी साउथ फिल्म की कॉपी आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर मूवी आती है ओके कमना में, और ये 2005 में रिलीज हुई थी, जिसके हम लोग को एक्टर हम लोग को दुलकर सलमान और नित्या मीनान हम लोग को नज़र आए थे। और इसका बजट 6 करोड़ था और इसका बिजनेस जो 51 करोड़ था, और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी। तो फिर बॉलीवुड के से रहा नहीं गया, उसने ये फिल्म को कॉपी कर दिया और फिल्म का नाम रखा गया ओके जानू। और ये 13 जनवरी 2017 में रिलीज किया गया और इसका बजट 27 करोड़, और ये फिल्म 39 करोड़ का बिजनेस किया और सुपर फ्लॉप हो गई। तो आप समझ सकते हैं साउथ का टक्कर लेने का हालत। और ये फिल्म में लीड रोल में हम लोग को श्रद्धा कपूर, आदित्य राय कपूर और नसरुद्दीन शाह जैसे टैलेंटेड अभिनेता थे। फिर भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि ये साउथ की रीमेक थी। तो भाई दूसरी नंबर पर फिल्म आती है गजनी, जो 29 सितंबर को 2005 में रिलीज हुआ था और इसका बजट 7 करोड़ था और ये 50 करोड़ का बिजनेस करके सुपर डुपर हिट हुई थी। और ये फिल्म में हम लोग को तमिल के सुपरस्टार सूर्या और आसिन नज़र आए थे, और इनके सपोर्टिंग रोल में नयनतारा भी हम लोग को नज़र आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी और ये फिल्म देखकर बॉलीवुड के फिर से रहा नहीं गया और इसका रीमेक फिर से बनाना स्टार्ट हो गया। 25 दिसंबर 2008 को इसका रीमेक बनाया गया और इसका बजट 50 करोड़ रखा गया और इसका बिजनेस 65 करोड़ बिजनेस किया और ये फिल्म एवरेज रही। और इसके हम लोग को लीड रोल में आमिर खान, आसिन और जिया खान जैसे टैलेंटेड अभिनेता थे। फिर भी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और तीसरे नंबर पर फिल्म आती है मांची तरह था जी, जो 1993 में रिलीज किया गया था और इसका बजट 1 करोड़ था और इसका बिजनेस 7 करोड़, तो 7 गुना ज़्यादा कमाई किया था ये फिल्म में। और फिल्म में हमको लीड रोल में मोहनलाल और सुरेश गोपी जैसे टैलेंटेड अभिनेता नज़र आए थे। और फिर इसका 2007 में रीमेक बनाया गया और फिल्म का नाम रखा गया भूल भुलैया, और इसके लीड रोल में हम लोग को अक्षय कुमार, अमीषा पटेल और विद्या बालन जैसे टैलेंटेड अभिनेता थे। और इसका बजट 30 करोड़ था और इसका बिजनेस 82 करोड़, ये फिल्म उस समय सुपर डुपर हिट हो गई। और इसके मेकर ने सोचा कि ये तो अच्छा बिजनेस कर गई है रीमेक फिल्म, तो फिर इसका दूसरा भाग बनाते हैं। और फिर तकरीबन 15 साल बाद इसका दूसरा भाग बनाया गया भूल भुलैया 2, और इसका बजट 70 करोड़ था और इसका बिजनेस 266 करोड़, बहुत ही बड़ा रकम बिजनेस कलेक्शन किया ये फिल्म ने। और इसके लीड रोल में हम लोग को कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू जैसे टैलेंटेड अभिनेता थे। और ये फिल्म इस साल की बहुत ही सुपर डुपर फिल्म है। और चौथे नंबर पर फिल्म आती है अर्जुन रेड्डी, जो 2017 में रिलीज की गई थी तेलुगु भाषा में, और इसका बजट 5 करोड़ था और ये बिजनेस 51 करोड़ का किया था। और इसके जो एक्टर है विजय देवरकुंडा और शालिनी पांडे है, वो उस समय साउथ की और तेलुगु की बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी थी और इसका क्रेज बहुत ही ज़्यादा था। और यही बात बॉलीवुड को मालूम चली तो फिर उन्होंने इसका रीमेक बनाने का फैसला किया, और इसका रीमेक फिल्म का नाम रखा गया कबीर सिंह, और जो 2009 में रिलीज किया गया। और इसके लीड रोल में हम लोग को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी लीड रोल में नज़र आए थे। और इसका बजट 60 करोड़ था और इसका बिजनेस 380 करोड़ रुपये कमाई थी, तो बहुत ही ये फिल्म उस समय सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुई थी। और ये लिस्ट में पांचवें नंबर और लास्ट पर आती है किक मूवी, जो 2009 में रिलीज किया गया था, और इसके लीड रोल में हम लोग को रवि तेजा और इलियाना डिसूजा नज़र आए थे। और इसका बजट 5 करोड़ था और इसका बिजनेस 30 करोड़ था, तो आप समझ सकते हैं 6 गुना ये बिजनेस किया था अपने बजट से। फिर बॉलीवुड ने फिर से पैसा छापने का प्लान बनाया और इसका रीमेक बनाया गया 2014 में, फिर फिल्म का नाम किक ही रखा गया। और इसके लीड रोल में हम लोग को सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस और रणदीप हुड्डा जैसे टैलेंटेड अभिनेता को लिया गया, और इसका बजट 140 करोड़ रखा गया और इसका बिजनेस जो है 400 करोड़ बिजनेस किया। और उस समय ये बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी हुई थी, वो साल की बड़ी हिट फिल्म ये हुई थी।
तो गाइस आप बताइए, आप इस सभी लिस्ट में से कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हैं? क्या आप साउथ फिल्में देखना पसंद करते हैं या बॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं? आप कमेंट में बताइए, और कमेंट में ये भी बताइए कि मैं अगला वीडियो किस फिल्म के बारे में दूँ। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कि ऐसी न्यू अपडेट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।